थोड़ी पकड़ी गई मैं किचन। गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह मेरा पहला सूरज होता है कोकोनट वाटर के साथ बाहर का दृश्य देखते देखते, क्योंकि नेचर बहुत खूबसूरत है, आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। मम्मी अभी एडिटिंग कर रही है तो मम्मी केले पे तो हाथ नहीं लगा सकती, तो मम्मी के लिए ऐसे करके दिए। मम्मी ये लो लग्जरी बनाना, 500 रुपए ओनली। इतना काट कूट के देने के लिए थोड़े होल होल दे दे, चबा चबा के खा लू। थैंक यू, लग्जरी बनाना करना है। 500 रुपए दे मेरे को। कुछ ज्यादा नहीं है, 500 रुपए का पूरा गाड़ी भरती है। 100 रुपए पर केला, 100 रुपए पूरा, वो जो इतना सारा लाया था ना पूरे 100 रुपए था भाग। किसी दिन बनाना, किसी किसी दिन इस तरह से प्यारा, मतलब अमरूद जो होता है, गुआवा, गुआवा के साथ काला नमक अच्छा जाता है। लेकिन इसके साथ दूसरा फ्रूट्स नहीं खाऊंगी, एक ही फ्रूट्स, एक ही टाइम पे एक ही फ्रूट्स खाना, नहीं तो वो डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है। तोते का आवाज सुना, देखो तोता कितना अच्छा बोलता है ना, लेकिन किधर है पता नहीं चल रहा, ये एरिया पे कहीं पे तो है। और ब्रेड में बटर कितना डाला है वो आपके ऊपर है, हो सके तो घर का मक्खन भी आप डाल सकते हो। और मैं इस तरह से पेपर में डाल के रखती हूँ ताकि पूरा बटर खराब ना हो, जितना जरूरत हो उतना ही आपको लेना है। शांतनु क्या कर रहे हो, खुद रखे निकाल कर दिया। अरे काफी सारे, वो जल जा रहा है, एक नंबर में है, एक देखो एक नंबर उसका, एक नंबर में तो बंद ही नहीं हो रहा, एक नंबर में। मैं तो यहाँ से स्विच दबा के बंद कर रही हूँ, टोस्टर खराब हो चुका है, वो भी जल रहा है एक साइड में, क्या हुआ पता नहीं। सराई करके दिखाना, अगर ठीक हो जाएगा तो ठीक करा लूंगी, या तो नया लेना पड़ेगा। और यहाँ पे आलू भाजा फ्राई किया है, नमक दिया है लेकिन हल्दी नहीं दिया है, लाइट की वजह से लग रहा है। और ये ब्लैक पेपर देख के इस तरह से उतार लो, ये वन ऑफ माय फेवरेट चीज, बचपन का एक याद है। अभी सैड मत हो, सब अच्छा ठीक हो जाएगा, अब इसको ठीक करना पड़ेगा। ये है आलू भाजा, ब्रेड, उसके साथ चाय, मेरा बचपन के की यादें है। कौन कौन ये वाला खाता है, ब्रेड बटर और शुगर, बताना जरूर। मैं बहुत रेयरली, आज मुझे याद आया, चलो वैसे बचपन वाला खाते हैं। ये मतलब ब्रेड बटर, नॉर्मल ब्रेड बटर और शुगर बहुत अच्छा लगता है। तब कैलोरी जो चीज है ये हमारे दिमाग में, तब हमारे बचपन में मम्मी लोग तो नहीं करते थे, वो ठीक था माइंड पे। ये वर्ड जब से आया है ना तब से और भी बढ़ बच गए। Try to find myself again, but life is one big riddle. All the future and what's been, guess it's the way it goes, and I will never. बारिश में ना उड़न चीजें मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। देख रहे पीछे फंगस हो गया था, सामने मतलब पॉलिश दे सकते हो, लेकिन एक पॉलिश में ना एक शाइनी टाइप का हो जाता है ना, क्योंकि मैं कभी कभी इस तरह से थोड़ा हल्का सा डैम क्लोथ से साफ कर देती हूँ, धूल भी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जूट का रस्सी है ना, इस तरह से साफ कर लेती हूँ। तो सिंपल सा ये करफोर्ड मार्केट से खरीदा था, फिर करफोर्ड मार्केट कब जाऊंगी पता नहीं, एक चीजें याद आता है दोनों। चौड़ी पकड़ी गई, मैं लिविंग रूम पे वहाँ पे कुछ देख रही थी, तुम इधर आ गए, मुझे लगा तुम कुछ बिजी हो। मैंने बोला था ना तुझे पढ़ाने के लिए, मतलब आए थे, मैं बोला शांतनु फिजिक्स का उसका देख लो कुछ है तो। ओ बाबा आके सो गए। छुट्टी का दो कार्ड देखो मैंने यहाँ पे, जैसा होता है ना ऑफिस में रहते ना नीचे घुसा देते, वैसे मैंने दे दिया यहाँ पे, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे छोटा छोटा किला की मदद से इसको ठीक करना, क्या हुआ है पता है, डिजास्टर। ये किला एक वहाँ से शांतनु ने बोला प्लायर की मदद से उठाओ, मतलब होता है ना खींच के ऐसे करके उठा, बस उससे ज्यादा ना ठोकी डालती तो अंदर, मैंने 2-3 ठोक दिया, जैसा ये वाला ठोक के अंदर ही चला गया, वो निकाले गए, उसके साथ वो पूरा सामान ही निकल गया। चना दाल, होल मूंग, मसूर और होल उड़द एक साथ हल्दी नमक दे के बॉयल करना है, और दाल को थोड़ा सा स्मैश कर लेना है। मस्टर्ड ऑयल पे जीरा, चॉप जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली, चॉप टोमेटो, करी पत्ता, और ये जो फ्राई फ्राई हो जाएगा तब धनिया पाउडर 2 चम्मच, चॉप धनिया, तो हल्का सा फ्राई करना है, और जो दाल बॉईल किया था वो, और गर्म पानी देके इसको थोड़ा सा सिमर करना है। और दाल को इस तरह से भी खा सकते हो, लेकिन इसमें छौंक डालेंगे उसी से ज्यादा टेस्ट बढ़ता है। तो गैस को मैंने ऑफ कर दिया दाल का, यहाँ पे मैंने घी दिया है, थोड़ा सा जीरा, सूखी मिर्च, जब फूट जाएगा गैस को ऑफ कर दिया, हींग, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर। किसी किसी टाइम आपका घर लगता है कभी कभार ऑर्गेनाइज नहीं रहता, लेकिन लाइफ ऐसा ही होता है,
इसको धोया था शाम को, तो मैं सोचा बाद में उसको रखती हूँ, थोड़ा पानी चढ़ जाता है ना तो उसके बाद। और ये नीचे का जो है ना, इसका देखो कहाँ पे क्रैक था, ये कुकिंग करने वाला था, ये एग्जीबिशन में खरीदा था, लेकिन ये यहाँ पे क्रैक है, डाउन हो गया उसके बाद 1.5 साल, तो वो चेंज नहीं हुआ। होपफुली वो भैया ने बोला है फिर से भेजेंगे, देखते हैं, क्योंकि सबका भी तो काम रोजी रोटी अलग ही हो चुका है। ये लॉकडाउन की वजह से सबका रोजी रोटी में बहुत कुछ फर्क आया है, समझना पड़ेगा। ये है आईवी गाउट, को मैंने इस तरह से काट लिया, तेंदली जिसको बोलते हैं, गोल गोल काट, थोड़ा सा तेल में फ्राई करेंगे पहले। तेल में जीरा, मस्टर्ड, चॉप्ड अनियन, हल्का सा फ्राई होने के टाइम करी पत्ता, ग्रेटेड जिंजर गार्लिक, टोमेटो थोड़ा ज़्यादा करके, इस टाइम पे सॉल्ट भी दे दूँगी। इसको आप कच्चा टाइम में ही डाल सकते हो, मैंने तो फ्राई किया क्योंकि शांतनु को कच्चा वाला पसंद नहीं है, थोड़ा सा फ्राई करना पड़ता है पहले। और इसमें मैं मसाला डाली हूँ, ये कोंकणी, मालवणी, कोल्हापुरी, जो भी मसाला आपके पास है, इसीलिए तीखा नहीं डाली हूँ, अदरवाइज आप मिर्ची पाउडर डाल सकते हो, या तो आपको ना मिले तो पाव भाजी मसाला डाल सकते हो, या जो भी आपके पास गरम मसाला है। और इसको अभी ढक ढक के पकाना है, अगर आप कोई और गरम मसाला यूज़ कर रहे हो तो आप तीखा डाल सकते हो, लेकिन इसमें ऑलरेडी तीखा है। आप अगर किसी गेस्ट को दे रही हो, घर पे भी खा रहे हो, तो जो जगह पे आप सर्व कर रहे हो उसी जगह पे छौंक डालना, तो अच्छा ऊपर में एक लेयर जो रहता है ना वो रहता है। उसके साथ मेन चीज पापड़ ना हो तब तक हमारे देसी खाना। तो देसी गाय का थोड़ा सा जरूरी है देसी खाने के साथ। थाली कंप्लीट होगा रोटी के साथ। थाली को कंप्लीट करने के लिए रोटी बनाया। मैं नॉर्मली रोटी नहीं खाती हूँ, क्योंकि रोटी और चावल में एक साथ मिक्स करके नहीं खाती हूँ, या रोटी खाती हूँ तो रोटी खाती हूँ, चावल खाती हूँ तो चावल खाती हूँ, लेकिन सांतो खाएगा इसीलिए। हाँ लेकिन तो तुम क्यों खाओ, इधर रोटी है ना। हाँ पूरी 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 तो अच्छा पूरी खा लेते हो। सिंपल शुद्ध देसी खाना है। दाल लो इस तरह से, यहाँ पे अनियन तो मस्ट है, और कोई मिर्ची चबा चबा कर खा सकते हो तो वो भी ले सकते हो। ये जो है ना, ये तेंदली ऑसम लगता है, मतलब आप एक बार जरूर बना के देखना। फर्स्ट टाइम बोला, सही बोला, टिंडा नहीं बोला। थोड़ा सा अचार, ये बोलता है ना अचार, एकदम ऐसा करके लो, मुँह में पानी आएगा, अचार सुन के आता है ऐसा वाला मुंह से बोल रहा तभी हजम होगा। ये जो नासिक से लाई थी, सब पूछते मैत्री ये अपने कहाँ से खरीदा है, ये एक्चुअली गेहूं की खेती से हमने उगाया। वो वीडियो या रील्स जरूर देखना, रील्स तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है क्योंकि वो थोड़ा अलग ही है। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, इसको क्यों लिखा है, ये रियल गेहूं है, रियल ही होगा, ऑब्वियसली फेक थोड़ी होगा। ये जो काम है ना, ये बारिश से पहले करना था क्योंकि नहीं तो खराब हो जाते। इसमें कुछ स्प्रे वगैरह करना है मुझे ताकि वो ठीक तरह से रहे, तो पहले इसको साफ कर लेते हैं, क्योंकि ये जो इसका देख रहे यहाँ पे, इसमें धूल जम जाता है, फंगस भी हो जाता है क्योंकि मुंबई का काफी ह्यूमिड टाइप का वेदर। ये जैसा खेती के साइड में था तो मैंने ऐसे उठाया था, क्या था कोई आइडिया नहीं है इसको, घास का ही कुछ प्रजाति होगा शायद। ये एकदम व्हाइट था तो अभी क्रीम कलर का हो गया, अच्छा लगता है ये सब। अभी अच्छा खासा साफ रख रहा है, देख रहे यहाँ पे जैसा धूल हुआ है ना, वही धूल टाइप का जम जाता है, तो साफ तो कर लिया, लेकिन आज स्प्रे नहीं करूंगी क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, बाहर में चिपड़ चिपड़ करके बारिश, और ये सारे कचरा निकला है, इतना सारा भूसा। गुड मॉर्निंग, और सुबह का वेदर देखो, पूरा बारिश शुरू हो गया। मेरे यहाँ पे कपड़ा था, एक कपड़ा को उठाया था, मैं सोचा अभी धूप में देते, लेकिन नहीं, देखो सुबह से आज पूरा एकदम अच्छा खासा बारिश जैसा वेदर। वेदर देख के खुशी तो मिलती है, स्पेशली वो और वो ट्री जब हिलता है ना तब एकदम कुछ मन में आ रही है तो खुदता रहता है, इसीलिए इसको ना खींच के यहाँ पे क्लिप जानना पड़ता है इस तरह से क्लिप। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल, और गुड मॉर्निंग। और सुबह से बारिश तो हो ही रहा है, क्या करे, पढ़ाई चल रहा है क्योंकि कल क्या है वो तो योगा तो सबसे इजी है ना। एग्जाम कैसा रहा? बहुत अच्छा है, घर पे जरूर ट्राई कर। और मुझे स्वीटी का स्कूल जाना, सुबह से बारिश हो रहा है, एक बार क्योंकि धूप आ रहा है, अभी का बारिश कैसा हो रहा है पता, बारिश हो रहा है धूप आ रहा है, इसमें गर्मी भी लगता है। और स्वीटी का स्कूल जाना है, और स्वीटी का कुछ स्टेशनरी वगैरह वो लेके आना है, तो वही अभी मैं वेट कर रही हूँ, थोड़ा सा धूप निकल जाए इसके बाद ही जाऊंगी। Past your door, the memories come back again. Pictures of us flooding back just like a wave. ये जो
वीडियो है ये मील प्लानिंग टाइप का है, मतलब मैं क्या खाती हूँ पूरा दिन पे। जैसा कल सुबह से शुरू किया था दोपहर का नहीं दिखाया था क्योंकि दोपहर में मैं भूल गई थी। उसके बाद मतलब आप पूरा दिन का एक सोच लो, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर हिसाब से और स्नैक्स हिसाब से। तो मैं इस तरह से वीडियो कभी बनाई नहीं, मैं तो व्लॉग बनाती हूँ। व्लॉग के साथ साथ ही है ये, मतलब एकदम जो प्रॉपर मजेदार वाला व्लॉग होता है वो नहीं है ये। सूर्य का तो एग्जाम हो गया, अभी 11:30 ऑलमोस्ट बज चुका है। प्लांट को फिलहाल यहाँ पे रखा, ग्रीनरी व्हाइट के ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है। पैन पे मैंने घी दिया, लौंग थोड़ा ज्यादा करके, तेज पत्ता, मैंने गोविंद भोग राइस पत्र कोई भी शॉर्ट ग्रेन फ्रेग्रेंस वाला राइस भिगो कर रखा था 1 घंटा और उसका पानी छान लिया। इसमें मैं शुगर डाल रही हूँ और शुगर अपने अंदाजा से, मिठास कितना करना है, थोड़ा सा सॉल्ट, इसको थोड़ा सा भूनने के बाद जितना राइस उसका डबल पानी, थोड़ा सा येलो फूड कलर, लेकिन अच्छा क्वालिटी का यूज कीजिएगा क्योंकि कभी कभार केमिकल भी रहता है। ये जब बॉयल आ जाएगा ढक के 10 मिनट धीमी आंच पे। ये हो गया था, 10 मिनट स्टैंडिंग टाइम जरूरी है नहीं तो जो राइस है ना टूट जाएगा, इसलिए मैं 10 मिनट बाद थोड़ा सा मिक्स कर लिया। वाला प्लांट अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे, अच्छा लगता है, लेकिन बीच बीच में वही हफ्ते में एक दिन पानी दे देते। और एक चीज, हाँ, हमारे बंगाली में ना श्रावण महीना में नॉनवेज नहीं खाना ऐसा कुछ रिवाज नहीं है, क्योंकि हमारा श्रावण महीना भी अलग होता है। जैसे महाराष्ट्र में श्रावण महीना अभी तक शुरू नहीं हुआ, जगह का अलग अलग होता है। तो आई होप आप लोग समझ पाओगे क्योंकि काफी क्वेश्चन आता है हर साल, मुझे बोलना पड़ता है। कुछ दिनों से क्वेश्चन आ रहा था आप श्रावण महीना में कैसे करके नॉनवेज खाते हो। जैसा सब एक दूसरे का कल्चर को अगर रिस्पेक्ट करेंगे तो हमारे देश अच्छी तरह से ग्रो होगा। जिंजर गार्लिक और कच्चा कोकोनट को अनियन फ्राई करते टाइम सॉल्ट भी मैं दे दूंगी तो अच्छे तरह से सॉफ्ट भी हो जाएगा। मैं सी सॉल्ट यूज कर रही हूँ, पिंक हिमालयन रॉक सॉल्ट वो भी यूज करती हूँ। सभी सॉल्ट अल्टरनेट हिसाब से यूज करना है। अनियन जब हल्का सा ब्राउन फ्राई हो जाएगा तो मसाला पिसा था वो, और इसको भूनना है जब तक ना इसका तेल निकल जाए। और मसाला इस तरह से फ्राई फ्राई हो चुका है। और यहाँ पे मैंने चिकन में हल्दी और गरम मसाला मिक्स करके रखा था मैरिनेट करके। मैं गोवन गरम मसाला यूज कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से, क्योंकि इसका टेस्ट अलग ही होता है। इसको अच्छी तरह से अभी भूनना है कुछ देर के लिए, 10 मिनट भूना। इसमें एक्चुअली सिंपल रेसिपी है लेकिन वही गरम मसाला का ही कमाल होता है, क्योंकि आपके घर पे जो भी गरम मसाला है या गोवन गरम मसाला भी ऑनलाइन पे भी मिल जाता है। गरम पानी दे के इसको भी बॉयल करूंगी क्योंकि मैं देसी चिकन यूज कर रही हूँ तो हाफ एन आवर तो बॉयल करना ही पड़ेगा। और इसको जस्ट धीमी आंच पे किया था, एटलीस्ट 5 मिनट बाद इसका ढक्कन खोलिएगा तभी अच्छा होता है। We were higher than the ceiling, middle fingers to the sky. I remember thinking if I only could stop the time. ये गोवा में हमने खाया था तो उसके बाद से हम इस तरह से बनाते हैं। इसके साथ में एक स्वीटी ब्रेड को लास्ट में खाएगी। ये राइस के साथ भी बहुत अच्छा लगता है लेकिन स्वीटी आज ब्रेड था इसलिए ब्रेड खा रही है ना स्वीटी। हाँ, सिटी का फेवरेट है। नॉर्मली ये ब्रेड के साथ कैसे खाया जाता है पता है? इस तरह से आपको ब्रेड लेना है, थोड़ा मोटा टाइप का पाव भी हो सकता है, इसको इस तरह से डुबो और खाओ, ऑसम लगता है। इसमें सिर्फ लौंग का खुशबू आएगा। ब्रेड के साथ तो अच्छा लगता ही है लेकिन मुझे फेवरेट है ये राइस। लौंग वाला खुशबू मैं पहली बार वहाँ पे जाके खाया था तो हमने सूंघ सूंघ के, क्योंकि देखो किसी भी जगह पे आप पूछो रेस्टोरेंट पे या किसी भी जगह पे वो लोग नहीं बताते, तो हमने देखा लौंग का खुशबू आ रहा है तो मैंने ऐसे ही बनाया था। बहुत अच्छा बना, घर पर जरूर ट्राई। कैमरा मैन स्वीटी के साथ हम एंजॉय कर रहे हैं लंच। ये था मेरा शॉर्ट एंड सिंपल वाला एक मील प्लानिंग। अलग अलग दिन पे अलग अलग होता है, जिस हिसाब से सामान रहता है उस हिसाब से बनाते हैं, थोड़ा बहुत प्लानिंग करना पड़ता है, खुद को एनर्जी ले लेते हैं उसके बाद, क्योंकि खाना खा के देखना नींद आता है ऑटोमेटिकली, काम करने का मन नहीं करता लेकिन जाना तो पड़ेगा। और देखो बैग वहाँ पे तैयार करके रखा है, मिरर पे आपको दिख रहा है वहाँ पे बैग रेडी करके रखा है। और वीडियो ये सुगंधित चाय के साथ एंड करते हैं, जैस्मिन वाला सुगंधित, क्योंकि माइंड को ठीक करना। वीडियो किसी भी रीजन पे अच्छा लगा लाइक जरूर करना, मेरे चैनल पे नए फ्रेंड्स है तो सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब करो लाइक करो उसके तरफ ध्यान मत दो। अभी मिलते हैं कल के और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, आई लव ऑल माय फ्रेंड्स। वो शांत रूप से ही होता है।